गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फिफ्थ क्लास का कंप्यूटर का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर। इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर का मतलब है, सबसे पहले इवोल्यूशन का मतलब होता है कि आप अगर किसी चीज़ की एक क्रम में उन्नति देखते हैं, किसी एक चीज़ का पहले एक स्टेप बना, फिर उसके बाद सेकेंड, उसके बाद थर्ड, इस तरह से उसमें एक एक चीज़ का इन्वेंशन होते हुए एक प्रॉपर प्रॉपर्टी हमारे पास होती है। तो इवोल्यूशन में अगर हम कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर भी बहुत सारे इन्वेंशन से गुजर करके आज जो हमारे पास है उसको हम चला रहे हैं, है ना। तो देखते हैं इसको। अ कंप्यूटर वर्क्स एट अ वेरी हाई स्पीड एंड परफॉर्म एक्यूरेट कैलकुलेशंस, बट इन अर्लियर टाइम ह्यूमन यूज्ड स्टोन्स, pebbles or finger for counting. These technique required a lot of work, especially for large calculation. The history of computing device start about 2000 years ago. Some of the important computing devices that were used for calculations in different period of the history of mankind are. इसमें जैसे कि हम देख रहे हैं, पहले क्या होता था, कैलकुलेशन के लिए कंप्यूटर नहीं होता था, हमारे पास कैलकुलेटर नहीं होता था, तो हिसाब किताब रखने के लिए हम उंगलियों पे गिनते थे, या फिर हम एक पत्थरों के थ्रू इतने पत्थर इस तरफ, इतने पत्थर इस तरफ, उसको काउंट करते थे। तो मतलब बहुत अलग अलग तरीके थे काउंट करने के। लेकिन उसके बाद जब कंप्यूटिंग फॉर्मेट में आना शुरू हुआ ये सब चीज़ें, तो थोड़ा कैलकुलेशन का मोड चेंज हो गया। इसमें जो सबसे पहले कैलकुलेशन डिवाइसेस हमारे पास आई हैं, उसमें सबसे पहले हमारे पास है अबेकस। अबेकस क्या है? अबेकस वाज इन्वेंटेड बाय द एशियंट बेबीलोनियन अबाउट 500 ईयर्स एगो। इट वाज यूज फॉर काउंटिंग पर्पस विच वॉज प्रफेक्टेड बाय द चाइनीज। इट कंसिस्ट अ नंबर ऑफ रॉड एंड ब्रीड्स टू रिप्रजेंट्स नंबर। अबेकस वॉज यूज टू काउंट, एड एंड सब्ट्रैक्ट नंबर बाय मूविंग इट्स ब्रीड अप एंड डाउन। अबेकस क्या था? इसको पुराने समय में बेबीलोनियन द्वारा बनाया गया था 500 साल पहले, और ये चाइना में बना था। इसमें क्या होता था कि हम, ये हमारा अबेकस है, इसमें ये जो छोटी छोटी डॉट्स होती हैं, जो एक ये व्हील्स दिखाई दे रहे हैं, इनको आगे या पीछे करके हम क्या करते थे, ऐड और सब्ट्रैक्ट करते थे। मान लीजिए यहाँ पर हम देख रहे हैं कितने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अलग अलग हैं, है ना, तीन हिस्सों में। अगर मैं इन दो को इससे मिला दूँ तो हम जोड़ कर कितने हो जाएंगे, 5, और इधर कितने हो जाएंगे, 2। तो इस तरह से यहाँ पर एड और सब्ट्रैक्ट होता था। उसके बाद जो नेक्स्ट आया वो था हमारे पास नेपियर्स बोन्स। नेपियर्स बोन्स कुछ इस तरह का था। इसमें क्या होता था, ये कब आया था, इन 1640 जॉन नेपियर्स डेवलप्ड अ कैलकुलेटिंग डिवाइस नेम्ड नेपियर्स बोन्स। इट वाज मेड विद अ सेट ऑफ रूल्स विद मल्टीप्लिकेशन टेबल्स इंस्क्राइब्ड ऑन देम। इट वाज यूज्ड टू परफॉर्म सिंपल कैलकुलेशंस लाइक एडिशंस, सब्ट्रैक्शंस, मल्टीप्लिकेशंस एंड डिवीजन। ये नेपियर्स बोन्स जो था, इसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन के अलावा मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन भी होता था। ये जो हमारी रोड्स होती थी, इनको खिसका करके आगे या पीछे उठा करके इनसे कैलकुलेशन की जाती थी। उसके बाद जो नेक्स्ट था पास्कलिन। पास्कलिन वाज डिजाइन बाय बेलस पास्कल इन 1642, अ फ्रेंच मैथमेटिशियन। इट वाज यूज फॉर क्विकली परफॉर्मिंग एडिशंस एंड सब्ट्रैक्शंस। इट हैड अ बॉक्स विद 8 डिजिट
मूवेबल व्हील्स कॉल्ड डायल्स विच हेल्प इन एंटरिंग द नंबर्स ऑफ कैलकुलेशंस. इट कुड हैंडल डेसिमल्स वैल्यू बाय रोटेटिंग अ व्हील फ्रॉम 1 to 9 स्टेप्स. द डायल ऑफ दिस मशीन वर्क जस्ट लाइक अ टेलीफोन डायल. इसमें क्या होता था, हमारे पास ये डायल्स होते थे जिनको घुमा करके हम कैलकुलेशन करते थे. इसमें कैलकुलेशन अबेकस के मुकाबले थोड़ा स्पीड में होता था, उससे थोड़ा ज़्यादा बेहतर होता था. और विलियम पास्कल ने इसको 1642 में इन्वेंट किया था. उसके बाद नेक्स्ट था हमारे पास टैबुलेटिंग मशीन. टैबुलेटिंग मशीन क्या थी? द टैबुलेटिंग मशीन वाज इन्वेंटेड बाय हरमन हेल्ड्रेथ इन 1890. इट वाज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस विच कुड रीड डेटा, प्रोसेस देम एंड देन गिव्स एक्यूरेट रिजल्ट. दिस मशीन वाज डेवलप्ड टू हेल्प प्रोसेस डेटा फॉर द 1890 US सेंसिस. टैबुलेटिंग मशीन क्या थी, थोड़ी और डेवलप थी. इसमें इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस का इस्तेमाल किया गया था. साथ ही साथ ये क्या करता था, पहले डेटा को रीड कर सकता था, फिर प्रोसेस करता था, उसके बाद हमें रिजल्ट देता था जो कि बिल्कुल एक्यूरेट होता था, उसमें कोई गलती नहीं होती थी. ये कुछ इस तरह का दिखाई देता था हमें. इसमें डेटा को रीड करके स्टोर करके तब हमें रिजल्ट मिलता था. टैबुलेटिंग मशीन पहली मशीन से, यानी कि अबेकस हो या फिर पास्कलिन हो, उनसे थोड़ी और बेहतर थी, क्योंकि इसमें डाटा को थोड़ा सा प्रोसेस किया जा सकता था. उसके बाद एनालिटिकल इंजन. एनालिटिकल इंजन वाज डिज़ाइन बाय इंग्लिश मैथमेटिशियन चार्ल्स बैबेज. द एनालिटिकल इंजन वाज पावर्ड बाय अ ह्यूज स्टीम इंजन. एनालिटिकल इंजन जो था वो चार्ल्स बैबेज ने बनाया था, जिसने कि कंप्यूटर का, जिसको कंप्यूटर का फादर भी बोला जाता है. और ये इंजन स्टीम इंजन से इसको पावर मिलती थी. द इनपुट वाज गिवन इन द फॉर्म ऑफ पंच्ड कार्ड. इसमें जो इनपुट दिए जाते थे वो पंच कार्ड के थ्रू दिए जाते थे. ये हमारे पास जो है, इसमें यहाँ हम जो देख रहे हैं तो यहाँ पर कार्ड्स पंच होते थे जिनसे इसको डेटा मिलता था. उसके बाद द इंजन हैड अ स्टोर वेयर नंबर्स एंड आउटपुट्स कुड बी हेल्ड. स्टोर नाम की इसमें एक छोटी सी जगह होती थी जहाँ पर कुछ स्टोर किया जाता था आउटपुट्स को और नंबर्स को. उसके बाद एंड अ सेपरेट माइल वेयर द अर्थमेटिक प्रोसेसिंग वाज परफॉर्म्ड. उसके बाद मिल में ये प्रोसेस होती थी कि हमें क्या, हमने आउटपुट किया है और उसके बाद क्या हमें रिजल्ट मिलेगा. ये सारा प्रोसेस होने के बाद हमें एक प्रॉपर रिजल्ट मिलता था. द एनालिटिकल इंजन हैज़ मैनी एसेंशियल फीचर्स फाउंड इन टूडेज मॉडर्न कंप्यूटर. ऐसे बहुत सारे गुण जिनको हम कह सकते हैं फीचर्स हैं जो इस समय आज के कंप्यूटर्स में हम इस्तेमाल करते हैं. नेक्स्ट हमारा एनिक, ENISC. ये एक बहुत बड़ा होता था, इसमें एक लगभग बहुत बड़े कमरे के बराबर. द एनिक स्टैंड फॉर इलेक्ट्रिकल न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर. इट वाज द फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर बिल्ड बाय JP एकर्ट एंड जॉन मैचुले. दिस मशीन यूज्ड डेसिमल डिजिट इंसर्ट ऑफ बाइनरी डिजिट्स. द एनिक कंटेंड 17,468 वैक्यूम ट्यूब्स अलॉन्ग विद 70,000 रेसिस्टर्स, 10,000 कैपेसिटर्स, 1,500 रिलेज, 6,000 मैनुअल स्विचेस एंड 5 million शोल्डर्स जॉइंट्स. इट कवर्ड 167 स्क्वायर मीटर ऑफ फ्लोर स्पेस, वेट 30 ton एंड कंज्यूम 160 किलोवाट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर. इसमें क्या होता था कि सबसे पहले तो ये डेसिमल डिजिट इस्तेमाल करता था, बाइनरी डिजिट इस्तेमाल नहीं करता था. उसके बाद ये लगभग 17,468 क्यूब वैक्यूम ट्यूब जो होती थी उनका इस्तेमाल करता था.
यहाँ पर इसमें छोटी छोटी ट्यूब्स इस्तेमाल होती थी जिनको वैक्यूम ट्यूब बोला जाता है, जिससे इसको कनेक्ट किया जाता था। इसमें 70,000 रेसिस्टर्स और 10,000 कैपेसिटर्स लगे होते थे। छोटे छोटे मदरबोर्ड टाइप होते थे। रिलेज लगती थी जिनसे मूव होता था, और स्विचेस थे जिनको ऑन और ऑफ किया जा सकता था। और जॉइंट इसमें बहुत सारे थे, लगभग 5 मिलियंस के आसपास। ये जगह घेरता था लगभग 167 स्क्वायर मीटर्स, 167 स्क्वायर मीटर्स की। और एक इसमें लगभग एक कमरा का पूरा बहुत बड़ा एरिया हो सकता है। इसका वेट होता था 30 टन्स, और ये एक बार में 160 किलोवाट पावर जो है वो यूज़ करता था। ये भी है कि ये इंजन जो था, सॉरी, ये कंप्यूटर पहले वाले कंप्यूटर से थोड़ा बेहतर काम करता था, स्पीड में काम करता था और अच्छा रिजल्ट हमें देता था। नेक्स्ट है यूनिवेक, UNIVAC। यूनिवेक स्टैंड फॉर यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इट वॉज डिजाइन बाय ऑल्सो जे वेस्पर एकेट एंड जॉन मंचुले इन 1940। द यूनिवेक वॉज ऑल्सो द फर्स्ट कंप्यूटर टू कम इक्विप्ड विद अ मैग्नेटिक टेप यूनिट एंड वॉज द फर्स्ट कंप्यूटर टू यूज़ बफर मेमोरी। ये भी जॉन मैचुले और एकट के द्वारा तैयार किया गया था, और एनएक से थोड़ा और बेहतर था। क्यों? क्योंकि इसमें डेटा को थोड़ा स्टोर किया जा सकता था। एक चीज़ और, इसमें बफर मेमोरी का इस्तेमाल किया जाता था। बफर मेमोरी मतलब अगर हम किसी मेन मेमोरी को स्टोर करना चाहते हैं तो उस स्टोर होने से पहले वो कुछ टाइम के लिए एक टेम्परेरी स्पेस में स्टे करती है, तो वो टेम्परेरी स्पेस जो होता है उसको बफर मेमोरी स्पेस बोल सकते हैं। तो यानी कि कुछ समय के लिए जहाँ पर मेमोरी रुकती है सेव होने से पहले, उसको बफर मेमोरी बोलते हैं। तो इसमें उस मेमोरी का इस्तेमाल किया जाता था। नेक्स्ट है हमारा जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर वॉज डेवलप्ड अबाउट 80 ईयर्स एगो। जो पहला कंप्यूटर बना था वो लगभग 80 साल पहले बना था। एवोल्यूशन ऑफ द प्रेजेंट डे कंप्यूटर हैज़ गॉन थ्रू मैनी स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। जो अभी चीज़ें हमारे पास हैं वो बहुत सारे स्टेज से गुजर करके हमारे पास पहुंची हैं। ईच स्टेज ऑफ डेवलपमेंट इज़ मार्क्ड बाय अ मेजर इम्प्रूवमेंट्स इन टेक्नोलॉजी एंड इज़ कॉल्ड अ जनरेशन। तो जिस भी स्टेज पर उस टेक्नोलॉजी के अंदर कोई बदलाव हुआ या इम्प्रूवमेंट हुआ, उसको क्या बोला गया? एक जनरेशन बोला गया, है ना? कि मान लीजिए किसी चीज़ में कुछ इम्प्लीमेंट करके उसको आगे भेजा गया, तो उसको एक जनरेशन का डिफरेंस बताया गया, ड्यूरेशन बताया गया। तो हमने जो जनरेशन अब तक देखी हैं उनका हमारे पास एक टेबल है, इसको पढ़ते हैं। फर्स्ट जनरेशन जो थी वो 1940 टू 1956 तक थी, जिसमें जो कंप्यूटर हमारे पास थे उसमें वैक्यूम ट्यूब का मेनली इस्तेमाल होता था। वैक्यूम ट्यूब, अभी हमने पीछे बात की थी वैक्यूम ट्यूब की, तो हम इसमें वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल होता था। इसका क्या था, दिस कंप्यूटर वर वेरी बिग, दे यूज टू जनरेट अ लॉट ऑफ हीट। ये बहुत बड़े होते थे और साथ ही साथ ये गर्मी बहुत पैदा करते थे, बहुत सारी गर्मी इसमें से निकलती थी। एक एग्जांपल कौन सा है, एनियक और यूनिवेक। ये दोनों एग्जांपल फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के हैं। सेकंड जनरेशन कंप्यूटर 1956 टू 1963, इसमें जो मेन पार्ट इस्तेमाल होता था वो होता था ट्रांसिस्टर्स का। ये दिस कंप्यूटर वर स्मॉलर, फास्टर एंड मोर रिलायबल देन अर्लियर कंप्यूटर। ये वाले कंप्यूटर यानी कि सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर जो थे वो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के मुकाबले थोड़े छोटे थे और यूज़ करने में आसान थे और काम करने में तेज़ थे। यूनिवेक 1108 और IBM 7077 इसी के एग्जांपल हैं। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर 1964 टू 1971 थी। इसमें जो मेन सर्किट इस्तेमाल होता था वो इंटीग्रेटेड सर्किट होते थे, ICs बोलते हैं जिसको। यूज़ ऑफ कीबोर्ड एंड मॉनिटर स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट टाइम। इन जनरेशन में पहली बार कीबोर्ड और मॉनिटर इस्तेमाल होता था।
अल्टायर और IBM 370 इसके एग्जांपल्स हैं। और जाहिर सी बात है ये इस और पहली और सेकंड जनरेशन से बेहतर काम करते थे। फोर्थ जनरेशन 1971 टू टिल डेट, यानी कि अभी जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे हैं। माइक्रो प्रोसेसर इसमें मेन पार्ट होता है। दिस कंप्यूटर आर इवन स्मॉलर, पावरफुल एंड रिलायबल। दे सपोर्ट अ पोस्ट ऑफ इनपुट आउटपुट एंड स्टोरेज डिवाइसेस। जाहिर सी बात है ये पहली जनरेशन से थोड़े और ज़्यादा छोटे, यूज़ करने में आसान और ताकतवर थे। इनमें जो प्रोसेस होती थी वो पहले इनपुट आउटपुट और स्टोरेज तीनों चीज़ों से होती थी। इनके एग्जांपल्स हैं डेस्कटॉप, लैपटॉप और आईपैड। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर यानी कि फ्यूचरिस्टिक कंप्यूटर, जो भविष्य में हम कंप्यूटर देखने वाले हैं उनको फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर में रखा गया है। इसको हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब एक तरह की इंटेलिजेंस जो मानव निर्मित है। कंप्यूटर्स ऑफ दिस जनरेशन आर स्टिल इन प्रोग्रेस। ये कंप्यूटर अभी बनने के लिए, मतलब इनका इनके ऊपर अभी काम चल रहा है, इनको बनाया जा रहा है, ऐसे हम कह सकते हैं। ऐसा कहते हैं कि फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स में खुद ब खुद डिसीजन लेने की, सोचने की पावर होगी। वो खुद ब खुद कोई भी काम कर सकते हैं, उनको ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे अब के जो कंप्यूटर में जब तक हम कोई इनपुट ना करें तब तक वो कोई काम नहीं करते, इसलिए उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं होता। लेकिन फिर जो हमारी जनरेशन होगी और फ्यूचरिस्टिक जो हमारे कंप्यूटर होंगे उसमें ये क्षमता होगी कि वो इंसान की भांति खुद ब खुद सोच कर काम कर सके। ये टू बी डेवलप्ड, अभी इनमें से कोई भी ऐसा कंप्यूटर नहीं बना है। हमने जो अभी तक पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो कोई क्विज़ है इसको आप खुद ब खुद सॉल्व करोगे, इसके आंसर्स आप खुद निकालोगे। ये छोटा सा है, इसमें पूछा है विच डिवाइस जॉन स्नेपियर्स डेवलप्ड। जॉन स्नेपियर्स ने कौन सी डिवाइस बनाई? वैन वॉज फर्स्ट यूनिवेट डेवलप्ड डिलीवर्ड। यूनिवेट डिलीवर्ड कब हुआ पहली बार? और विच मशीन वॉज डेवलप्ड टू हेल्प प्रोसेस डेटा फॉर द 1890 US सेंसिस। 1890 सेंसिस के लिए कौन सी मशीन जो है डेवलप की गई थी? नेक्स्ट है हमारे पास टाइप ऑफ कंप्यूटर। अकॉर्डिंग टू देयर वर्क प्रिंसिपल मॉडर्न कंप्यूटर कैन बी क्लासिफाइड इनटू थ्री टाइप्स। आमतौर पे हमने जो कंप्यूटर को देखा है वो तीन तरह से देखा है, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल और हाइब्रिड कंप्यूटर। तो सबसे पहले बात करते हैं एनालॉग कंप्यूटर्स की। एनालॉग कंप्यूटर क्या होते हैं? ये फिजिकल वेरिएबल्स पर काम करते हैं। देख जैसे एनालॉग कंप्यूटर इज़ अ कंप्यूटिंग डिवाइस दैट वर्क्स ऑन अ कंटिन्यूस रेंज ऑफ वैल्यूज। द रिजल्ट गिवन बाय द एनालॉग कंप्यूटर्स विल ओनली बी अप्रोक्सीमेट सिंस दे डील विद क्वान्टिटीज दैट वेरी कंटिन्यूसली। इट जनरली डील विद फिजिकल वेरिएबल्स सच एज वोल्टेज, प्रेशर, टेम्परेचर, स्पीड etc. तो एनालॉग कंप्यूटर क्या होते हैं? ये उस रेंज पर काम करते हैं, वैल्यू पर काम करते हैं जो लगभग अप्रोक्सीमेट है, वो फिक्स नहीं होती है ना। जैसे मान लीजिए किसी चीज़ का हम वोल्टेज नाप रहे हैं है ना, या फिर किसी चीज़ का प्रेशर नाप रहे हैं, तो वो प्रेशर एक दो डिजिट के बीच में हो सकता है, कभी ज़्यादा कभी कम। इसी तरह से टेम्परेचर होता है, तो टेम्परेचर भी घटता बढ़ता रहता है, तो ये उन चीज़ों को नापने में सक्षम है। एनालॉग कंप्यूटर कुछ इस तरह के होते थे, अभी भी होते हैं। उसके बाद डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर ऑपरेट्स ऑन डिजिटल डेटा सच एज नंबर। इट यूजेस बाइनरी नंबर सिस्टम इन विच देयर आर ओनली टू डिजिट 0 एंड 1। ईच नंबर इज कॉल्ड अ बाइट। द डिजिटल कंप्यूटर इज डिजाइंड यूजिंग डिजिटल सर्किट्स इन विच देयर आर टू लेवल्स फॉर एन इनपुट और आउटपुट सिग्नल्स। डिजिटल कंप्यूटर्स कैन बी डिवाइडेड इंटू फोर मेन कैटेगरीज। डिजिटल कंप्यूटर जो हैं वो
किसी अप्रोक्सीमेट वैल्यूज़ पर काम नहीं करते, वो एक्यूरेट वैल्यू पर काम करते हैं, पहली बात। दूसरी बात ये कि इन ये बाइनरी सिस्टम में काम करते हैं बजाय कि डेसिमल सिस्टम में काम करने के। और बाइनरी सिस्टम में ये सिर्फ दो नंबर पे काम करते हैं, तो 0 और 1, 0 और 1 पर ही ये काम करते हैं, जिनको बाइट बोला जाता है। इन डिजिटल कंप्यूटर को मेनली तीन कंप्यूटर्स में डिवाइड किया गया, सॉरी चार में, सुपर कंप्यूटर्स, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, मिनी कंप्यूटर्स और माइक्रो कंप्यूटर्स। सबसे पहले हमारे आता है सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर बहुत पावरफुल कंप्यूटर होता है। सुपर कंप्यूटर आर द फास्टेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर्स। दे सपोर्ट सर्वर प्रोसेसर फॉर सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक प्रॉब्लम्स। दे कैन परफॉर्म बिलियंस ऑफ टिपिकल कैलकुलेशंस विद इन सेकेंड। दे आर ऑल्सो यूज फॉर वेदर फॉरकास्टिंग, एयरफ्लो, मिसाइल्स एंड सैटेलाइट्स हैंडलिंग। तो सुपर कंप्यूटर का जो काम होता है वो बहुत फास्ट होता है और बहुत एक्यूरेट होता है। सबसे ज़्यादा ये साइंटिफिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में काम आता है। मेनली इसका जो कैलकुलेशन वर्क होता है वो विद इन सेकेंड हो जाता है, यानी कि बहुत जल्दी। इसलिए क्या करता है कि किसी तरह के मौसम को और हवा के बहाव को, मिसाइल्स को या फिर सैटेलाइट को जो रिकॉर्ड करने की क्षमता होती है वो सुपर कंप्यूटर्स में होती है। सुपर कंप्यूटर कुछ इस तरह के दिखाई देते हैं। नेक्स्ट इज मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स आर द पावरफुल मल्टीपल यूजर कंप्यूटर्स कैपेबल फॉर सपोर्टिंग मैनी हंड्रेड्स और थाउजेंड्स ऑफ यूजर सिमटेनियसली। दे कैन प्रोसेस डेटा एट वेरी हाई स्पीड, वे आर हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, एंड दे आर ऑल्सो क्वाइट एक्सपेंसिव। नॉर्मली दे आर यूज इन बैंकिंग, एयरलाइंस एंड रेलवेज ETC फॉर देयर एप्लीकेशंस। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स को हम एक तरह से बोल सकते हैं कि चैन कंप्यूटर होती है। चैन कंप्यूटर मतलब कि जहाँ पर एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर और तीसरे कंप्यूटर, इस तरह से आगे के बहुत सारे कंप्यूटर से जुड़ा हुआ होता है। जहाँ पर आप एक कंप्यूटर के थ्रू बाकी के सभी कंप्यूटर्स पर काम कर सकते हैं और साथ ही उन सभी पर एक साथ ही एक ही प्रोसेस पे काम हो सकता है। ये आमतौर पे इसको कहाँ पर बैंकिंग में इस्तेमाल किया जाता है, एयरलाइंस यानी कि जहाँ पर एयरपोर्ट वगैरह होते हैं वहाँ इस्तेमाल किया जाता है, और जहाँ रेलवे वगैरह होती हैं वहाँ इस्तेमाल होता है, खास करके इनकी एप्लीकेशंस के लिए। जो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स है वो कुछ इस तरह के दिखाई देते हैं। उसके बाद मिनी कंप्यूटर्स। मिनी कंप्यूटर्स आर लोअर टू मेन फ्रेम कंप्यूटर्स इन टर्म ऑफ स्पीड एंड स्टोरेज कैपेसिटी। मिनी कंप्यूटर जो होते हैं वो मेन फ्रेम कंप्यूटर की अपेक्षा थोड़े कम पावर और स्पीड में होते हैं। इनकी स्टोरेज कैपेसिटी कम होती है, स्पीड कम होती है मिनी फ्रेम के अकॉर्डिंग। दे आर ऑल्सो लेस एक्सपेंसिव देन मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, और साथ ही मेन फ्रेम कंप्यूटर के मुकाबले थोड़े सस्ते भी होते हैं। दे यूज़ मल्टीपल डिवाइसेस सच एज कीबोर्ड, मॉनिटर, माउस, सीडी रोम, प्रिंटर, स्कैनर, लाइट पेन, ETC। और साथ ही साथ इसमें हम बहुत सारी जो मल्टीपल डिवाइसेस है वो इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, सीडी रोम हो गया, प्रिंटर हो गया, स्कैनर हो गया, लाइट पेन हो गया, ETC, ये सब हम इसमें इस्तेमाल करते हैं। ये हमारा मिनी फ्रेम कंप्यूटर। उसके बाद माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर वो हैं जो हम अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं। माइक्रो कंप्यूटर्स आर द स्मॉलेस्ट कैटेगरी ऑफ द डिजिटल कंप्यूटर। सच कंप्यूटर्स आर कंट्रोल्ड बाय अ सिंगल माइक्रो प्रोसेसर नॉन एज CPU। मिनी कंप्यूटर जो होते हैं वो एक सिंगल माइक्रो प्रोसेसर के ऊपर डिपेंड होते हैं पूरी तरह से, जिसको हम माइक्रो प्रोसेसर बोलते हैं। और ये CPU के अंदर बहुत छोटी सी चिप होती है, चिप तरह का होता है जो उसके अंदर सेट होता है। दे इंक्लूड अ मॉनिटर, अ कीबोर्ड, अ माउस एंड अ हार्ड डिस्क ड्राइव। इसके अंदर क्या क्या होता है? मॉनिटर होता है, कीबोर्ड होता है, माउस होता है, हार्ड डिस्क होती है। दे कैन ओनली बी यूज बाय वन पर्सन एट अ टाइम। दे आर फर्दर क्लासीफाइड इंटू, ये एक ही व्यक्ति द्वारा एक कंप्यूटर एक बार में इस्तेमाल होता है। डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर और
हैंडल कंप्यूटर जिसको हम पैड बोलते हैं, ये सभी कंप्यूटर हमारे मिनी कंप्यूटर्स में आते हैं। उसके बाद हाइब्रिड कंप्यूटर, जब हम एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर को जोड़ करके एक प्रोसेस करते हैं और उसके थ्रू एक मशीन तैयार करते हैं, उसको हम हाइब्रिड कंप्यूटर बोलते हैं। इसमें क्या होता है, दो चीज़ें होती हैं मेनली, एक तो एनालॉग टू डिजिटल और डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर्स जो पूरा ट्रांसफॉर्म करते हैं, और मेन हमारा जो काम होता है, जो कंप्यूटेशन का होता है, चाहे वो स्पीड का होता है, चाहे स्टोरेज का होता है, चाहे स्पेसिफिक टास्क का होता है, वो सब हम इस हाइब्रिड कंप्यूटर के अंदर कर सकते हैं। हाइब्रिड कंप्यूटर्स कंबाइन द डिज़ायरेबल फीचर्स ऑफ एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर्स। इट इज़ मोस्टली यूज फॉर ऑटोमेटिक ऑपरेटर्स ऑफ कॉम्प्लिकेटेड फिजिकल प्रोसेसेस एंड मशीन। नाउ इट इज़ एनालॉग कंप्यूटर टू डिजिटल और डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर्स आर यूज फॉर ट्रांसफॉर्मिंग द डेटा इंटू सुटेबल फॉर आइदर टाइप्स ऑफ कंप्यूटेशन। हाइब्रिड कंप्यूटर्स आर मेनली यूज फॉर स्पेशलाइज टास्क। तो जैसे कि मैंने बताया, दो कंप्यूटर एनालॉग और डिजिटल का पूरा कंफ्यूम जोड़ करके हाइब्रिड कंप्यूटर तैयार किया जाता है। चलिए, उसके बाद व्हाई कंप्यूटर्स आर सो पॉपुलर, कंप्यूटर पॉपुलर क्यों हैं, कई कारण हैं। सबसे पहले स्पीड, कंप्यूटर्स बहुत फास्ट काम करते हैं, चाहे वो कैलकुलेशन वर्क हो, चाहे डेटा वर्क हो, चाहे कोई भी वर्क हो, वो बहुत तेज़ी से काम करते हैं। नेक्स्ट डिलीजेंस, द कंप्यूटर इज़ फ्री फ्रॉम टाइडनेस, लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन और फैटिग, यानी कि इसमें ना तो किसी तरह की थकान है, ना ही इसमें ध्यान कम देने वाले अवगुण हैं, और ना ही कोई और समस्या है जिस वजह से ये काम कम करे। ये लगातार काम कर सकता है, इट कैन वर्क फॉर आवर्स विदाउट क्रिएटिंग एनी एरर, बिना किसी गलती के ये काफ़ी लंबे टाइम तक काम कर सकता है। इफ़ मिलियंस ऑफ कैलकुलेशंस आर टू बी परफॉर्म्ड, अ कंप्यूटर विल परफॉर्म एवरी कैलकुलेशन विद द सेम एक्यूरेसी, और ये जितनी भी कैलकुलेशंस करेगा वो प्रॉपर सेम एक्यूरेसी के साथ करेगा। ऐसा नहीं कि जो पहले की थी उसमें ठीक था फिर लास्ट वाले में कुछ गलती कर दी, ऐसा नहीं है। जितना भी काम करेगा प्रॉपर ही वे में करेगा, ना तो इसमें कोई गलती होगी, ना ही इसमें कोई हमें काम करने में दिक्कत होगी। उसके बाद एक्यूरेसी, एक्यूरेट हमेशा इसका रिजल्ट एक्यूरेट होगा। अगर गलती करते हैं तो हम करते हैं, अगर हमने इनपुट गलत किया है तो ये हमें आउटपुट गलत देगा, जिसको बोलते भी हैं GIGO, गार्बेज इन और गार्बेज आउट। अगर हम गार्बेज यानी कि कोई गंदगी या फिर कुछ गलत चीज़ इसमें हम एंटर करेंगे तो हमें गलत ही मिलेगा। इट मीन्स इफ़ वी गिव करेक्ट इनपुट टू द कंप्यूटर वी विल गेट करेक्ट आउटपुट, अगर हम सही चीज़ कंप्यूटर में इनपुट करेंगे तो हमें सही चीज़ ही आउटपुट मिलेगी। वर्सेटैलिटी, कंप्यूटर कैन परफॉर्म वेरियस टाइप ऑफ जॉब, एक बार में बहुत सारी जॉब्स ये कर सकता है। कंप्यूटर प्रोवाइड यू विद अ प्लेटफॉर्म ऑफ डिफरेंट टास्क सच एज लिसनिंग म्यूजिक, पेंटिंग, प्लेइंग गेम्स, कैलकुलेशन etc। तो कंप्यूटर क्या करता है, एक बार में बहुत सारे काम कर सकता है। जितने भी कंप्यूटर यूज़र्स होते हैं वो आमतौर पर काम मल्टीपल टास्क ही करते हैं, तो उसके लिए सबसे बेहतर मशीन है, इसलिए ये पॉपुलर होते हैं। अगेन हमारे पास एक क्विक क्विज है, इसको आप खुद ब खुद सॉल्व करोगे। आपकी जो बुक एक्सरसाइज है वो हमने सॉल्व की है, उसको हम एक बार देख लेते हैं। विच ऑफ द डिवाइस हैड अ बॉक्स विद 8 डिजिट मूवेबल व्हील्स कॉल्ड डाइल्स, तो ऐसे कौन से डिवाइस थे जिसमें 8 डिजिट थे मूवेबल, हमने भी पीछे पढ़ा था, तो वो थे हमारे पास पास्कल लाइन। विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर्स आर द फास्टेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर, सबसे ताकतवर कंप्यूटर कौन सा है, अभी हमने पीछे पढ़ा था कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर, उसके बाद मेन फ्रेम कंप्यूटर और उसके बाद माइक्रो कंप्यूटर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज मेन वर्किंग कंपोनेंट ऑफ थर्ड जनरेशन कंप्यूटर, तो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर का मेन वर्किंग कंपोनेंट क्या है, इंटीग्रेटेड सर्किट जिसको ICs बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर ऑपरेट अ डिजिटल डेटा सच अ नंबर, तो डिजिटल डेटा
को कौन ऑपरेट करता है? डिजिटल कंप्यूटर्स। डैश कंबाइन द डिज़ायरेबल फीचर ऑफ एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर्स। तो कौन कंबाइन करता है हमारी इच्छा अनुसार डिजिटल और एनालॉग कंप्यूटर को? हाइब्रिड कंप्यूटर। उसके बाद ट्रू एंड फॉल्स हैं। पास्क्रीन वॉज डिज़ाइन बाय जॉन नेपियर्स इन 1642। तो ये गलत है क्योंकि नेपियर्स बोन्स बनाया था। दैनिक वॉज द फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर बिल्ट इन जेपी एकर्ट एंड जॉन मैचले। इन्होंने बनाया था फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। तो ये सही है। द यूनिविक वॉज ऑल्सो द फर्स्ट कंप्यूटर टू कम इक्विप्टेड विद अ मैग्नेटिक टेप यूनिट। यूनिविक जो है जो मैग्नेटिक टेप के ऊपर काम करता है, ये हमने पीछे पढ़ा था अभी। तो ये ट्रू होगा। डिजिटल कंप्यूटर्स डील विद फिजिकल वेरिएबल्स सच एज वोल्टेज, प्रेशर, टेम्परेचर, स्पीड etc. डिजिटल कंप्यूटर नहीं करता ये सब चीज़ें, वो एनालॉग कंप्यूटर करता है। एनालॉग कंप्यूटर का काम होता है वोल्टेज, प्रेशर, टेम्परेचर जैसी फिजिकल वेरिएबल्स को काउंट करने का। तो वो यहाँ पर ये फॉल्स रहेगा। हाइब्रिड कंप्यूटर आर मेनली यूज फॉर स्पेशलाइज्ड टास्क। ये सही है, हाइब्रिड कंप्यूटर को स्पेशलाइज टास्क के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन आंसर्स आपकी इसकी आपको PDF मिल जाएगी, जो भी हमने वर्क इसमें देखा है अभी तक वो सब PDF आपको मिल जाएगी। राइट शॉर्ट नोट ऑन ENIAC। ENIAC के ऊपर एक शॉर्ट नोट लिखना है। तो ENIAC वाज द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर बिल्ट बाय एकर्ट एंड जोन्स मैचले। वॉट इज एन एनालॉग कंप्यूटर? एनालॉग कंप्यूटर इज अ कंप्यूटिंग डिवाइस दैट वर्क्स ऑन कंटिन्यूस रेंज ऑफ वैल्यूज। इट जनरली डील विद फिजिकल वेरिएबल्स सच एज वोल्टेज, प्रेशर, टेम्परेचर, स्पीड etc. वॉट इज अ डिजिटल कंप्यूटर? नेम इट्स कैटेगरीज। डिजिटल कंप्यूटर इज डिजाइंड यूजिंग डिजिटल सर्किट्स इन विच देर आर टू लेवल्स ऑफ आउटपुट एंड इनपुट सिग्नल्स। देर आर सम डिजिटल कंप्यूटर्स सुपर कंप्यूटर्स, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, मिनी कंप्यूटर्स और माइक्रो कंप्यूटर्स। उसके बाद हाईलाइट एनी थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए कंप्यूटर। कंप्यूटर के कोई भी थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने हैं। तो तीन कौन से हैं? स्पीड, टैलेंसेस और एक्यूरेसी। ये तीन इसके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो जैसे कि हमने पूरा चैप्टर पढ़ा है और इसकी बुक एक्सरसाइज भी की है, इसकी PDF भी आपको मिल जाएगी। तो आपको क्या करना है, इसको पूरा ना पढ़ के थोड़ा थोड़ा पढ़ना, जितना आपको समझ में आए। ज़रूरी नहीं कि पूरा पढ़ना, अगर पूरा समझ में आता तो पूरा पढ़ें उसके बाद एक्सरसाइज करें। लेकिन जब तक चैप्टर अच्छी तरह समझ में ना आ जाए तब तक उसको पूरा ना पढ़ें। कोई क्वेश्चन हो किसी का तुरंत उसको पूछें। और इसके बाद आपको जो नेक्स्ट चैप्टर मिलेगा वो 3 से 4 दिन के बाद मिलेगा, ताकि आप इसको अच्छी तरह पढ़ के अच्छी तरह इसकी एक्सरसाइज कर लें। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।